भाई साहब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। हिस्ट्री हैज बीन मेड, जैसे मैंने बोला इतिहास में इससे बड़ा मैच अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, मेरे ख्याल वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम के लिए नहीं होगा। जिस टीम को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टीम्स नहीं हरा पाई, जिस टीम ने दो बार वर्ल्ड की ट्रॉफीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया से छीना, उससे आज अफगानिस्तान ने हरा दिया भाई। अफगानिस्तान, और मैं बोलना चाहूंगा पांडे जी की प्रेडिक्शन पहले से ही बोल दिया था, बल्कि एक महीने से बोल रहे थे कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान हराएगी। मैं अपने दोस्त गुलबदीन नायब के लिए बहुत बहुत खुश हूं भाई। गुलबदीन नायब ने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया है, एक के बाद एक के बाद एक विकेट, और सबसे बड़ी विकेट ग्लेन मैक्सवेल, जो कि पता नहीं क्यों इतना कैजुअल ले रहे थे, अच्छा खेल रहे थे भाई ग्लेन मैक्सवेल, पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह यहां पर भी जितवाने वाले थे, लेकिन आज गुलबदीन नायब ने बोला नथिंग डूइंग भाई, आज कोई नहीं बचने वाला हमसे, और ये मुकाबला 22 रन से जीत लिया है अफगानिस्तान ने। यहां पर ऐतिहासिक जीत तो हुई है, लेकिन अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए रास्ता साफ कर दिया। अगर आपने अब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर, नॉकआउट पंच इंडिया दे सकती है आत्मा, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों आगे चली जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, जो हमेशा आपके बोल लीजिए कि रस्ते में रोड़ा बनती है ऑस्ट्रेलिया के, भैया आगे नहीं जाने देती, आपको हरा देती है, आपको बाहर कर देती है। आज अफगानिस्तान ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस देके वन साइडेड, मैं बोलूंगा रेला है पेला है, पूरा का पूरा खात्मा करके रख दिया है। अरे ओ पांडी, तू खात्मा करा दे भैया, बहुत ही बढ़िया आया था। मैं बोल रहा हूँ राशिद खान की लीडरशिप, आप राशिद खान की बॉलिंग देखिए, दो नाम नवीनुल हक एंड गुलबदीन नायब, बैटिंग से तो बहुत सेंसिबली बैटिंग करी। अच्छा ड्वेन ब्रावो का भी बहुत बड़ा भाई इसमें फायदा है उनको, ड्वेन ब्रावो को पता था ये सेंट लुसिया की पिच पे कैसे खेलना है, बिल्कुल वैसे ही खेला। यहां पे गुरबाज को देखिए आप, गुरबाज ने जो खेला आज, आजादरान ने, दोनों ने पार्टनरशिप कितनी अच्छी करी। ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं पता नहीं किस चौड़ में आ रहे हैं, हम तो मार के खेलेंगे जी, मार ले फिर मार ले। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरी टीम ढेर हो गई। बीच में मैक्सवेल ने 50 मारे, बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट, लगातार विकेट्स गिरती रही, चाहे वो अच्छा ट्रैविस हेड तो सेम बॉल पे, अगर उसको मिडिल स्टंप की बॉल रखो वो तो बोल्ड ही होता है भाई। अगर उसको रूम ना दो, आपने देखा हर्षदीप ने बोल्ड मारा, मित्साक ने बोल्ड मारा, आज नवीन हक ने उसको बोल्ड मार दिया, बार बार आप देख रहे हैं ट्रैविस हेड सेम तरीके से आउट हो रहा है, तो हमारे लिए इतना खतरा नहीं है। डेविड वॉर्नर भी लग रहा है वो किलर इंस्टिंक्ट कहां गई है, खत्म हो चुकी है। आगे अगर आप चले, जिस तरीके से स्टॉइनिस आउट हुआ, गुलबदीन नायब को लाया गया स्टॉइनिस, और स्टॉइनिस के साथ में पार्टनरशिप लगी हुई थी मैक्सवेल की, अच्छे खासा चल रहे थे ये लोग, लग रहा था 10 ओवर में 70 रन थे, लग रहा था ऑस्ट्रेलिया आराम से चेस कर लेगी। गुलबदीन नायब आया, शॉर्ट बॉल मारी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, स्टॉइनिस पुल करने गया आउट, लगातार उसके बाद गुलबदीन नायब ने विकेट लिया, और सबसे बड़ी विकेट ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हो गया, हमें पता था मैच खत्म है, ना वेट टिक पाया ना कमिंस टिक पाया, कमिंस को भी बोल्ड मार दिया गुलबदीन ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और लास्ट